आप देख रहे हैं न्यूज़ 11। वीआईपी जिस तरीके से पार्टी लगातार चर्चित रही है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी लगातार ये कहते रहे हैं कि वो दरभंगा से चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी को दरभंगा की सीट मिलने वाली है, लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से महागठबंधन का अभी तक एक तरीके से पूरी तरह से उसके पन्ने नहीं खुले हैं कि कौन क्या कुछ है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी खगड़िया से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस पर अधिक जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता सुनील। सुनील, क्या खबर आ रही है? जी अविनाश, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये लगातार महागठबंधन की लगातार विपक्षियों ने हमला करते रहा है कि उसको सीटों का बंटवारा को लेकर के, लेकिन आज अब जैसे ही सीटों का बंटवारा हुआ है महागठबंधन की तरफ से, तो बिल्कुल लगातार चुनाव आने के बिल्कुल सर पे है चुनाव, और वैसे ही में लगातार वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते रहे हैं। वैसे एक बड़ी खबर आज की है कि खगड़िया के जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी हैं, वो उन्होंने ये साफ तौर से कर दिया है कि जो दरभंगा को लेकर के हमेशा वो चर्चित रहते थे, लेकिन आज ये ऐलान हो गया है कि बिल्कुल अब वो जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे वो बिल्कुल खगड़िया से ही लड़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से सुनील, मुकेश सहनी ये भी बीच में कहते आ रहे थे कि वो हो सकता है कि चुनाव नहीं भी लड़े, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं इस बार चुनावी मैदान में रहूंगा, तो काफी उनके बयान बदलते रहते हैं। इस बार अभी तक सारे जो पन्ने हैं महागठबंधन ने अब तक अपने नहीं खोले हैं, हालांकि कुछ और पन्ने अभी खुलेंगे, क्या कुछ है, क्योंकि 7 चरणों में यहां पर चुनाव होने बिहार को, उसको लेकर काफी अभी दिलचस्पी बनी हुई है, लेकिन खगड़िया ही क्यों, क्या इसके बारे में आपको कोई जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो भी पार्टी का उम्मीदवारों का घोषणा हुई है उसको लेकर के जो राजद के महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनको जो उनके अकॉर्डिंग जो भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संवाददाताओं से रूबरू हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है कि अभी तक कुछ भी ऐसा बयान निकल के सामने नहीं आया है कि मतलब आखिर खगड़िया ही क्यों दिया गया है। अच्छा, मतलब अभी रीजन नहीं बताया जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि जातीय समीकरण हो सकता है कि कुछ जो खगड़िया से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हो उनको लेकर कुछ वहां पर रणनीति अलग तरीके से बनाई जा रही हो। हालांकि दोनों जो बिहार के मुख्य गठबंधन है, यानी कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, दोनों में अपने उम्मीदवारों को लेकर इस बार काफी सोच समझकर फैसले लिए गए हैं कि किसको कहां से उतारा जाए, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए ताकि उस सीट को अपने पाले में किया जा सकता है, जीत के लिए सारे दांव अपनाए जा रहे हैं। सुनील जी, बिल्कुल लगातार देखा जा रहा है कि एनडीए तो एक तरफ हर जगहों पे, जैसे कि आपको सारे वो सीटों का अनाउंस हो गया है कौन कहां से लड़ेगा, 40 सीटों पर अनाउंस कर दिया है एनडीए। बिल्कुल, वैसे ही देखा जाए कि आए पिछले दिन बीते दिन ये भी हुआ था कि जो गिरिराज सिंह की, उनको नवादा का सीट छोड़ करके उन्हें बेगूसराय दे दिया, अभी भी नाराज चल रहे हैं जैसा कि वो एक हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बीजेपी का ये साफ तौर पर ये कहना है कि गिरिराज जी कोई छोटे नेता है नहीं, बड़े नेता है, लेकिन बेगूसराय को भी जो सीट दिया गया है तो बिल्कुल सही रूप से वो अपना चुनाव लड़ेंगे और वहां से अपना वो जीत हासिल करेंगे। वैसे ही उसी को देखते हुए महागठबंधन भी अपने चुन चुन के जो भी प्रत्याशी है उनके एवज में, उनके खिलाफ में वहां पे वैसे ही प्रत्याशी को उतार रहे हैं। हालांकि नाराजगी दोनों गठबंधनों के उम्मीदवारों में चल रही है। हालांकि हम बात कर ले महागठबंधन की, तो कल भी हमने तेजस्वी यादव से जब सवाल किया था कि आपके कई जो विधायक हैं या फिर कई जो इस तरीके से कैंडिडेट जो ये सोच रहे थे कि उनको टिकट मिल सकता है, वो काफी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है तो वो अपनी बातें भी आलाकमान तक पहुंचा रहे हैं, उस पर उन्होंने अपने बयान भी दिए थे। हालांकि हम फिर से खगड़िया चलते हैं सुनील। खगड़िया एक तरीके से मतलब पूरी तरह से देखा जाए अगर 40 सीटों में, तो खगड़िया भी एक हाई प्रोफाइल सीट मानी जा सकती है, क्योंकि 40 सीटों पर यहाँ पर दोनों गठबंधन जीतने को दम भर रहे हैं। खगड़िया से मुकेश सहनी अगर खड़े होते हैं तो वहां की किस तरह से रणनीति बदल सकती है? हालांकि जिस तरीके से दरभंगा सीट उनके लिए मतलब पेंच बनी हुई थी या फिर दरभंगा सीट को ही वो मांग कर रहे थे, लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन खगड़िया क्या वो उसी आत्मविश्वास के साथ जब वहां पर जाएंगे तो क्या उनका आत्मविश्वास वैसा ही रहेगा? क्योंकि आप मुकेश सहनी से मिलते रहते हैं, उनसे बातचीत करते रहते हैं, क्या लगता है जिस तरीके से वो दरभंगा को लेकर आश्वस्त थे कि अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे, क्या खगड़िया से भी उतना आश्वस्त दिखेंगे क्या? जी बिल्कुल, उनका जैसा जुड़ाव रहा है दरभंगा से, लगभग हम पूरे रूप से तो नहीं कहेंगे लेकिन लगभग 80% मान के चलेंगे कि उनका खगड़िया से भी जुड़ाव रहा है। तो इसी को लेकर के आज हमसे मुकेश सहनी पे फोन पे बात भी हुई है कि वो बिल्कुल शाम को हमसे 4 बजे मिलेंगे और इसके बारे में ज्यादातर डिटेल हमसे देंगे। बिल्कुल,
तो शाम के 4 बजे जिस तरीके से बता रहे हैं हमारे संवाददाता कि सुनील जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और तमाम सवाल पूछेंगे, कुछ तीखे सवाल भी होंगे, न्यूज़ 1/11 कुछ तीखे सवाल भी पूछेगा कि आखिर इतनी रणनीति क्यों बदल रही है। अगर आप दरभंगा सीट की मांग कर रहे थे, वहां से जीत सकते थे, तो पार्टी या फिर गठबंधन ने आपको वहां की सीट क्यों नहीं दी? और अगर आप खगड़िया जाते हैं तो वहां पर क्या कुछ आपके लिए रणनीति बदल सकती है, क्या कुछ समीकरण वहां पर बदल सकते हैं? ये सारे सवाल के जवाब हम मुकेश सहनी से आज लेंगे और वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है। तो आप उसके लिए भी बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 1/11। और हम आपको बता दें कि बिहार झारखंड के साथ साथ अगर देश दुनिया की खबरों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप न्यूज़ 1/11 पर जरूर क्लिक करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, बन रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ 1/11। नमस्कार। न्यूज़ 1/11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।